बंदा अगर नमाजी नहीं तो क्या इसकी बाकी बातें कबूल होंगी? एक केड़ा इतना नेक आदमी है, नमाज भी पढ़ता है, बात करता रहता है, केड़िया बात मनु ज्यारत कराओ ऐसे बंदे दी। अच्छा ये उमन इस तरह होता है जिस तरह हमारे पास जो लिबरल किस्म के लोग हैं, सेकुलर लोग, एनजीओ, वो कहते हैं जी अल्लाह तला ने कोई इंसान को नमाजों के लिए नहीं पैदा किया, खिदमत खल्क के लिए पैदा किया है, गरीबों को आप रोटी खिलाएं, उनकी मदद करें। यार गरीबों को रोटी खिलाने का इससे क्या ताल्लुक है कि आपने नमाज छोड़नी है? एक शख्स अपने बीवी बच्चों के हकूक पूरे करता है, इसका यह मतलब कब से हो गया कि आप माँ बाप के पूरे नहीं कर रहे? माँ बाप के साथ अलग से हुक्म है उसने सलूक का, बीवी बच्चों के साथ अलग से हुक्म है। किसी को कहे नमाज पढ़े, वो कहते हैं जी रिस्क माना भी इबादत है। भाई रिस्क माना इबादत है, इससे इस बात का क्या ताल्लुक है कि नमाज नहीं पढ़नी? वो तो अलग से फर्ज है। नमाज के ऊपर इतनी अहमियत इसलिए दी जाती है कि बेनमाजी पाकिस्तान के शनाख्ती कार्ड में मुसलमान है, अल्लाह के नजदीक वो काफिर है अमलन जी। सूरह अर-रूम की आयत नंबर है 31, व अकीमुस्सलाह वला तकूनू मिनल मुशरिकीन।